तो आप ये भी तो कह सकते थे। बेटा तुमने सुना नहीं बड़े क्या कह रहे हैं? बड़ों के आगे सर झुकाने की बजाय बहस कर रहे हो, ये हमने तरबियत दिया तुम्हें। सॉरी अब्बू, सॉरी, मैं आप सब मुझे माफ कर दीजिए। सच पूछिए तो अब तो मुझे बस इंतजार रहेगा उस दिन का, किस दिन मैं नाया आपको अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले जाऊंगी। मगर हमने ये फैसला किया है क्योंकि नायाब हमारी सबसे छोटी पोती है, फिलहाल हमारा उसका रिश्ता करने का कोई इरादा नहीं। अम्मा जी, ये क्या कह रही हैं आप? हमारी तरफ से आप इस रिश्ते से इनकार ही समझिए। दादी ये क्या कह रही हैं आप? बेटे आप अपने कमरे में जाइए। दादी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आया बेटा, अम्मा ने कहा ना आप अंदर जाएं। आप अंदर जाएं, जाएं। अम्मा जी, गलती हो गई है हमसे क्या? कोई बात बुरी लगी है आपको? देखिए मैं आपसे माफी चाहती हूं, लेकिन इस रिश्ते से इनकार मत कीजिए। आप बड़ी हैं हम सब की, आप मेरी गलती पर आप डांट सकती हैं, जूते मार सकती हैं, लेकिन इस रिश्ते से इनकार मत कीजिए। इनकार सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ पे। मैं नायाब को दिल से अपनी बेटी मान चुकी हूँ अम्मा जी। खुदा के लिए अम्मा जी, अपना फैसला बदल दीजिए। हम तो बहुत अरमान लेके आपकी दहलीज पे आए थे। ये मेरा लाडला, इसकी खुशी के खातिर आप नायाब को हमारी झोली में डालते, बड़ी नायाब। आप मिन्नत करके हमें शर्मिंदा ना कीजिए, हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया। ये आप इसलिए कह रही हैं ना क्योंकि मैं कोई मालदार इंसान नहीं हूं, इस तरह का बड़ा घर, बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है मेरे पास। दादी आप मुझे 2 साल का टाइम दें, 2 साल के अंदर मैं इतनी मेहनत करूंगा कि ये जो भी आसाइशें आपके पास है मैं नायाब को दे दूंगा। दादा बेटा, हमें पूरा भरोसा है कि तुम नायाब को खुश रखोगे। हम लोग इनकार नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा वक्त दरकार। हाँ बेटा, नायाब ना हमारे घर की सबसे छोटी बच्ची है, उसकी शादी का जो फैसला है ना आयजा की शादी के बाद ही करेंगे हम। तो आप ये भी तो कह सकते थे। बेटा तुमने सुना नहीं बड़े क्या कह रहे हैं? बड़ों के आगे सर झुकाने की बजाय बहस कर रहे हो, ये हमने तरबियत दिया तुम्हें। सॉरी अब्बू, सॉरी, मैं आप सब मुझे माफ कर दीजिए। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।